बंदे की कहीं इचिंग भी हो सकती है। अच्छा तो ऐसे ना कर रहे हैं ऐसे, मतलब मैं इचिंग भी नहीं करूंगा, है ना? ओके ठीक है, नहीं करूँ ना, नहीं करूँ ना, नहीं नहीं करूँ, तुम्हें मेरी हर चीज से दिक्कत है। ठीक है, वीडियो शॉट करे, अभी वीडियो स्टार्ट है। ठीक है, आज की जो वीडियो का टाइटल है, भारत पर एक साथ टूट पड़े सभी मुस्लिम देश। ओ तो ये क्यों हुआ? ये एक कोई लेडी थी, मैंने न्यूज तो नहीं सुनी ना, मैंने न्यूज नहीं सुनी, मैंने हल्का सा ऐसी कहीं पे एक छोटा सा पोस्ट देखा था कि एक लड़की थी, उसने कुछ मुसलमानों को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोला है, उसके ऊपर इसलिए सब टूट पड़े हैं। अच्छा, वो बहुत गलत बोला है तो उसके ऊपर ये रिएक्शन है। तो देखें वीडियो के स्टार्ट करके क्या है, पहले वीडियो देखते हैं, मेरे को पता लग जाए क्या आखिर बोला क्या है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश भारत पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान में तो भारत के खिलाफ अब बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन विरोध तो छोड़िए, इसके बारे में बात तक नहीं की जा रही। कतर, कुवैत और ईरान ने अपने देशों में स्थित भारतीय राजदूतों को तलब किया है। कतर ने भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाले पेंटर MF हुसैन को इसी कतर ने नागरिकता दी थी। बहरहाल आपको बता दें कि ये सभी इस्लामिक देश भारत को लेकर अब आक्रामक रुख अपनाने लगे हैं। ये सभी भारत सरकार से माफी मांगने को कह रहे हैं। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इन सभी के बीच भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए इन सभी मुस्लिम देशों को जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC को जवाब देते हुए कहा है कि भारत सरकार ऐसी टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। भारत ने OIC को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये दुखद है कि OIC फिर से भ्रामक और गलत टिप्पणी कर रहा है। ये टिप्पणी उनके विभाजनकारी एजेंडे की बोल खोलती है। बहरहाल आपको बता दें कि जब ये सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, उससे पहले ही भारत सरकार ने विवादित बयान देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर भी दी थी। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन पहले से ही भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते आए हैं। स्कूलों में हिजाब का मामला हो या फिर आतंकी यासीन मलिक को सजा देना, ये मुस्लिम देश भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी करते आए हैं। पाकिस्तान इस आग को भड़काने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत इन सभी देशों के निजी मामलों पर कभी नहीं बोला। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों को किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले कई देशों में होते रहते हैं। पर मैं भी ये नहीं पता कि बोला क्या था, पर मुझे इतना हाँ। पता कुछ तो बोला था, कुछ गलत ही बोला था। बट यार मैं अपना मेरा ओपिनियन पता क्या, एक्चुअल में मेरा ओपिनियन ये है कि जब कैसे कोई बोलता है ना, देखो ये तो चलते हैं पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं साले, फेमस होने के लिए। अगर कोई बोलता है ना साले इससे सोने से निकाल दो, क्योंकि लोगों को तो काम ही यही है भड़काना, बस एक की दो लगाना। दीपक लोग यही करते हैं, नहीं तो पता नहीं आजकल देश में क्या हो जाए। सही में एक्चुअल में ये बात है, बिल्कुल फैक्ट है कि अगर कोई बोल रहा है ना अगर किसी के बारे में तो सुनो और निकाल, इग्नोर पागल है छोड़ दो। ये पॉलिटिक्स तो है, लड़ाई कराते हैं वो तो है, ये लोगों में दुश्मनी करवा देते हैं, दुश्मनी कराते हैं। जितने धरने में बैठे हो जितने लड़ाई कर, सब पॉलिटिशियन ही होते हैं सबके साथ भाई, वो तो है। एक पॉलिटिशियन ने बोला, दूसरे पॉलिटिशियन ने क्या किया कि उसने ये कैसे बोल दिया, हम युद्ध करेंगे। अब भाई लोग दुश्मनी उनकी होती है, लेकिन लोगों के अंदर दुश्मनी ला देते हैं, बस यही होता है। ये पॉलिटिशियन का बेकार है, नहीं तो लोग तो ऐसे ही इधर सुनते हैं पागल है छोड़ना बोल रहे, यही करते हैं लोग। वाक्य में करना भी ये चाहिए, वैसे इग्नोर ही करो, ये पॉलिटिक्स से ना दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, तो जिंदगी जी लोगे, नहीं तो फिर नहीं जी पाओगे। सही में लोग एक दूसरे के अंदर नफरत आ जाएगी और कुछ नहीं हो, प्यार ही खत्म हो जाएगा। हर जगह यही हो रहा है, इसमें तो सही बताऊँ, इसलिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई न्यूज नहीं देखता,
कोई प्यान नहीं सुनता किसने ये बोला। मैं बोल रही हूँ बोला क्या एक्चुअल जनरली बता रहा हूँ, सच में मैं तो समझ रही थी क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, मेरे को तो ये समझ सच्ची में नहीं पता अभी तक यार क्या। मैं पर देखूंगा अब तो देखना पड़ेगा क्या बोला था, पर ठीक है मैं सही कहूंगा देखने के बाद अबे पागल है तो सच्ची में ही बोलूंगा। बाकी वो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बाकी सुनो और माइंड मत करो। हाँ अगर माइंड करोगे तो फिर पॉलिटिशियन घुस जाओ, कोई फायदा नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना हमें और कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हैं बताना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।